ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की दिन की शुरुआत थोड़ी अलग हुई। हम लोग ट्रेनिंग करने थोड़ा लेट जा रहे हैं, इसलिए अभी मैंने सुबह उठ के सबसे पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है एंड फिर हम जाएंगे जिम। आज हम इवॉल्व जिम नहीं जाएंगे, आज हम अपने पुराने जिम वॉरियर फिटनेस जाएंगे चेस्ट ट्रेन करने के लिए। आई थिंक मैं वहाँ पर लास्ट वीक भी गया था साकेत के साथ, बट आज हम लोग नेवजात के साथ चेस्ट ट्रेन करने जाने वाले हैं। एंड द होल रीज़न बिहाइंड गोइंग टू दैट जिम इज मैं और नेवजात पहले साथ में बहुत ट्रेन करते थे एंड आई एम मिसिंग दैट। तो या और वहाँ पे आई थिंक चेस्ट की बहुत अच्छी सारी नई नई मशीन्स भी हैं, सो या हम उनको भी जाके यूज़ करेंगे। बट एनीवेज, लेट्स गो टू द जिम एंड उसके बाद सीधा कॉलेज में मिलेंगे। सो बाय बाय। भाई लोग ऑलराइट गाइज, आज के चेस्ट प्रेस के जितने भी सेट्स थे मैं उनमें अपने माइक को ऑन करना शायद से भूल गया था, बट लेट मी गिव यू गाइज अ ब्रीफ रीकैप कि हमने चेस्ट डे के लिए क्या क्या किया था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो भी इंक्लाइन प्रेसिंग की एक्टिविटी है वो मैं सिर्फ यही मशीन पे करूँगा और कोई भी मशीन पे नहीं जाऊँगा, बिकॉज इस पे जो स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन फील होता है वो मैंने और कोई भी मशीन पे आज तक लाइफ में फील नहीं किया। तो हमने यहाँ पे तीन वर्किंग सेट करे। पहला सेट थोड़ा सा हैवी लोड किया, बट सरप्राइजिंगली मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, मे बी बिकॉज मैं एक प्री वर्कआउट मील लेके गया था। बट हाँ, हमने एक हार्ड टॉप सेट लगाया एंड देन दो हार्ड बैक ऑफ सेट्स लगाए। इंटेंसिटी वाइज सारे के सारे सेट्स हमने 100% तक पुश किए एंड इट वॉज़ रियली फन। एंड आई थिंक शोल्डर प्रेस वाली क्लिप्स में भी मैं अपने माइक को ऑन करना भूल गया था, सो आई एम जस्ट गोना मेक अ ब्रीफ मॉन्टाज एंड मैं अपनी जो ये वॉइस ओवर है उसके ऊपर डाल दूंगा। सो आई एम सॉरी, बट हाँ अब मिलते हैं सीधा चेस्ट फ्लाइज पे। ओके, मैंने वापस ये अपना ये पहन लिया बिकॉज एसी का जो डक्ट है वो हमारे सर के राइट ऊपर है एंड मेरे को ठंडी में ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता। बट हमने दो सेट किए केबल चेस्ट फ्लाइज पे, लाइक जो केबल स्टेशन है वहाँ पे, बट वहाँ पे रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो हम लोग एक फाइनल सेट पेक डेक पे भी करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली मुझे पेक डेक ज़्यादा अच्छा लगा है केबल फ्लाइज से, बिकॉज हियर आई फील लाइक आई कैन आइसोलेट माई चेस्ट एक अच्छे तरीके में एंड कम मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो या लेट्स गो ऑल आउट। Help! Help! No, Gandu. Okay, you can do it. Pull. I'll do partials at least. तो मैं एक्चुअली और रेप्स कर सकता था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता मालूम है, मेरा शोल्डर आगे रोल फॉरवर्ड हो जाता एंड उसकी वजह से और एक्स्ट्रा फ्रंट डेल्ट एक्टिवेशन जो मुझे नहीं चाहिए। कल या परसों आई थिंक मैं देवान का वीडियो देख रहा था जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे सीटेड पेक डेक करता है, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि मोस्ट लोग गलती क्या करते कि जब भी आगे आ रहे थोड़ा सा ईगो लिफ्ट करने का ट्राई करते जिससे जैसे शोल्डर आगे रोल फॉरवर्ड हो जाता है, नॉट नाइस थिंग। बट चेस्ट डिस्ट्रॉयड, अभी एक लेकिन थ्री फोर सेट्स विल डू लैटरल रेजेस पे
एंड देन ख़त्म करेंगे आज का पुश डे इसको। किसी ने तो कमेंट्स में बोला था कि ये बंदा अभिषेक उपमन्यु जैसा दिखता है। हु एल्स एग्रीज। ओके, तो घर पे आने के बाद मैंने अपनी ब्रेकफास्ट बनाई और लंच भी बनाया, क्योंकि आज मेरे घर पे कोई है नहीं तो सब खाना मैं ही बनाने वाला हूँ। मज़ा आता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने 4 अंडे और 2 रोटी बनाया था। अनफॉर्चुनेटली वो मैं खाते खाते भूल गया, तो एक लास्ट बाइट बचा है वो देख लो। एंड इसके बाद हम जा रहे हैं अपना ओट्स बनाने के लिए। ओट्स बना दिया, खाली इसमें वे वे सब मिक्स करना है एंड मैं थोड़े नट्स डालूंगा क्योंकि इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है एंड आई एम बल्किंग सो आई कुड यूज द एक्स्ट्रा कैलोरीज। बट एनीवेज अभी हम नहाएंगे और फिर सीधा कॉलेज में मिलेंगे, cause we have a full day of college today. तो let's go. Guys, मेरे को जस्ट अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर मिला है। होपफुली आपको मेरा आवाज़ आ रहा है। बहुत अच्छा पेपर लिखा था भाई मैंने, ऑल दो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है बट मैंने सब फ्रेमवर्क वेमवर्क अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड इट वेंट रियली वेल। सो आई गॉट 25 मिले 30 में से, नॉट बैड। हाईएस्ट 27 है। ऑलराइट गाइस, तो कॉलेज से वापस आने के बाद मैं अपने दोस्त जॉशवा की सोसाइटी में गया था, बिकॉज अगर आपको याद है मैंने लास्ट चेस्ट डे पे ना एक वीडियो बनाई थी। आई थिंक हम लोग अवधूत के साथ ड्रिंक कर रहे थे और मैंने उसमें बताया था आपको कि वो मेरा जो दोस्त है ही इज़ अ फिल्म मेकर एंड हमने उसकी फिल्म में एक सीन शूट किया था, तो वो फिल्म इज़ रेडी नाउ। बस एक बार उसको कॉलेज के अप्रूवल से मिल जाए दैन ही पोस्ट इट एंड मैं उसकी लिंक आप सभी के लिए डाल दूंगा। बहुत ब्यूटीफुल बनाया, मैं इमोशनल हो गया था भाई देखते देखते। बट एनीवेज अभी थोड़ा पढ़ाई करने बैठते कैट रिलेटेड एंड उसके बाद मे बी एक छोटा सा सिंगिंग सेशन, मे बी आई एम नॉट श्योर इट, बट हाँ एनीवेज पढ़ाई करने बैठते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट, आज का वीडियो ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा सिंगिंग सेशन। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जो पढ़ाई का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना था वो एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड हो गया। आई मीन टाइम लैप्स कम स्पेस लेता है एंड इट्स शूट्स एट अ हायर FPS या समथिंग, आई डोंट नो। तो हाँ, वो कितना आई थिंक 25-30 मिनट का जो टाइम लैप्स था वो पूरा वीडियो बन गया एंड आई एम नॉट गोना पुट दैट इन। बट एनीवेज एक छोटा सा सिंगिंग सेशन वीडियो ख़त्म करने के लिए। इस गाने का नाम है फिर ले आया दिल बाय अरिजीत सिंह। एक्चुअली ओरिजिनल गाना आई डोंट नो किसने गाया है, बट दिस इज़ हिज वर्जन फ्रॉम द मूवी बर्फी। वो मूवी का एल्बम ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो आई थिंक यू ऑल शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। बर्फी मूवी पता नहीं बहुत पहले आई थी यार, बट एनीवेज होप यू गाइस लाइक दिस। उसे मखमल कर भी आऊं
वो जरूरी सी बात बाकी है, वो जरूरी सी याद बाकी ओके उसका जो एक्चुअल एंडिंग है इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट और वो मैंने अच्छे से सीखा नहीं अभी तक. तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आज थोड़ी कंटेंट की कमी होगी बिकॉज मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरे को सिर्फ सोने का मन कर रहा है. तो अब हम लोग कल मिलेंगे एक बढ़िया से आम डे के लिए. सो या सी यू गाइस टुमारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.